स्टूडेंट स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल पार्ट थ्री। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट टू एंड पार्ट वन अच्छे से समझ लिया है, तो अगर आपने पार्ट टू एंड पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो में जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? पीरियोडिसिटी। तो ये वाला टर्म हम लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट टू में बहुत बार यूज किया है, पर इसमें हम लोग अच्छे से इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग एलिमेंट को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मतलब अगर एटॉमिक नंबर कम है तो उसको पहले रखते हैं, उसके बाद वाले जो उससे ज्यादा नंबर वाला है उसको उसके बाद इस तरह से अगर हम लोग अरेंज करते हैं, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टी था वही उस वाले एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी हो जाता है। फिर से इस बात को समझिए कि जब भी हम लोग एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो है वो खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो उसी रिपीटेशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। और वो रिपीटेशन जो होता है वो एक सर्टेन इंटरवल, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे होता है। मगर मान लीजिए अगर 8 एलिमेंट के बाद हो रहा है तो हर बार वो क्या होगा? 8 एलिमेंट के बाद होगा, ठीक है। तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही वो प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करता है। ओके, तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अब समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक है और कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक नहीं है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर बात करें तो जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली क्या होता है, एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक होता है, मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी एंड डेंसिटी, ये तो ऐसा चीज है जो पीरियोडिक नहीं है। मतलब रेडियो एक्टिविटी जो है वो सेम प्रॉपर्टी जो है, जो मान लीजिए इस वाले एलिमेंट का अगर रेडियो एक्टिविटी का प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है तो सेम तरह का प्रॉपर्टी अगले एलिमेंट में सर्टेन इंटरवल के बाद देखने को नहीं मिलेगा। तो रेडियो एक्टिविटी एंड डेंसिटी पीरियोडिक नहीं है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली क्या रहता है? पीरियोडिक रहता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं और कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक है एलिमेंट में। अब कुछ और प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेते हैं जो पीरियोडिक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है जो कि पीरियोडिक है वो है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो पीरियोडिक है, और इसका पीरियोडिसिटी किस तरह से होता है वो हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग एक पीरियड में, मतलब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से अगर राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करना शुरू करेगा, मतलब छोटा होता चला जाएगा। ये मान लीजिए एक एटम है, ये बीच में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और ये मान लीजिए इस तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो होता यह है कि ये जितना रेडियाई पहला वाला एलिमेंट में रहेगा अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू कर दे तो वैसी इसका रेडियाई जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होता इसलिए है कि जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो जो एलिमेंट है उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, मतलब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने के कारण ये जो रेडियाई है उसको अट्रैक्ट ज्यादा पावरफुल, मतलब ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करता है। अब ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही जैसे यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग मूव करते हैं कोई भी पीरियड में, वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने के कारण जो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई का साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है। तो ये एक पीरियोडिसिटी है कि मतलब अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं कोई भी एक्ट में तो क्या होगा? हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है उसका साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तब क्या होगा? तो उस वक्त ये होगा कि जो इस वाले एलिमेंट का जो रेडियाई रहेगा वो छोटा रहेगा और इस वाले एलिमेंट का रेडियाई बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग एक ग्रुप में
टॉप से बॉटम अगर मूव करते हैं तो टॉप वाले का जो रेडियाई रहेगा वो छोटा रहेगा अकॉर्डिंग टू बॉटम वाले का, मतलब रेडियाई जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर टॉप से बॉटम में हम लोग जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल जितना इसमें था, मतलब जितना ऑर्बिट इसमें था, इस वाले में क्या हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट में क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इसका रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई जो है वो टॉप से बॉटम में अगर हम लोग मूव करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव करते हैं, यानी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। तो एटॉमिक रेडियाई वाला पॉइंट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि पीरियोडिक इन नेचर है वो कौन सा पॉइंट है, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जीज, तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जीज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि ये क्यों इंक्रीज होता है और क्यों डिक्रीज होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को सिंपल वर्ड में हम लोग समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये जो एक एटम है, ये जो एक एलिमेंट है, तो इसके लास्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होगा, ऑफकोर्स होगा। मान लीजिए इसके लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस एटम में है, उसको बाहर निकालने के लिए, इसके सेल से बाहर निकालने के लिए हमको जितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर से समझिए, मान लीजिए एक एटम है, सॉरी हाँ, मान लीजिए एक एटम है, एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोगों को जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एनर्जी, कितना एनर्जी लगाने के बाद कोई एटम आयोनाइज हो जा रहा है, मतलब वो आयोन्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, कितना एनर्जी लगाने के बाद कोई एटम आयोन में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, अब आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से बिहेव करेगा, अगर हम लोग किस तरह से, ये पीरियोडिक है नेचर में, अगर हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा, अगर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अगर हम लोग एक पीरियड में, अगर हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर देते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या समझा था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो वो अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे भी वही केस होगा कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा पावर से टानेगा। अब जितना ज्यादा पावर से टानेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। अब स्ट्रांग बॉन्ड जब वो बना लिया तो हम लोगों को उस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर होगा। ठीक है, तो इसीलिए होता यह है कि अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव करते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होना शुरू होता है। मतलब जितना एनर्जी हम लोगों को फर्स्ट वाले एलिमेंट में लगाना पड़ेगा उससे ज्यादा एनर्जी हम लोगों को सेकंड वाले एलिमेंट में लगाना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा एनर्जी थर्ड वाले में लगाना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा एनर्जी हम लोगों को फोर्थ वाले में लगाना पड़ेगा ताकि वो आयोनाइज हो, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल सके। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तब इसका क्या प्रॉपर्टी होगा। तो अगर हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोगों ने यहां पे क्या देखा था एटॉमिक रेडियाई में, कि जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के बाद नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, मतलब एक ऑर्बिट और एड हो जा रहा था। तो जैसे ही टॉप से बॉटम में जाएंगे तो ऑर्बिट ऐड हो जाएगा। अब ऑर्बिट ऐड होगा तो डिस्टेंस जो है पॉजिटिव चार्ज से उठ ऑर्बिट का दूर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो हम लोगों को चाहिए, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये जो इसको टानेगा उसका पावर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये लूजली बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो हमको इसको निकालने में क्या लगेगा, एनर्जी जो है वो कम लगेगा। अब इसी के जब नीचे वाले की तरफ आते हैं, मान लीजिए यहां पे, तो इस वाले का जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहां पे रहेगा, यहां पे, क्योंकि जैसे ही हम लोग ग्रुप में
नीचे आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं, वैसे ही क्या होता है, एक एक सेल इंक्रीज करना, एक एक सेल और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो अभी जो सेल था सिर्फ यहीं तक था, यहां तक था, लेकिन जैसे ही एक एलिमेंट नीचे आए तो सेल एक और ऐड हो गया और यहां तक पहुंच गया। तो अब जो इसका अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो गया, इसको अट्रैक्ट उतना ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहां पे जो था वो डिस्टेंस कम था और यहां पे डिस्टेंस बढ़ गया, तो अट्रैक्ट उतना पावर से नहीं कर पा रहा है। अब जब अट्रैक्ट उतना पावर से नहीं कर पा रहा है तो हम लोग इसको आसानी से यहां से निकालकर बाहर लेकर चल जाएंगे, लेकिन इस वाले केस में अट्रैक्ट ज्यादा कर पा रहा था तो इसीलिए इसमें हम लोगों को ज्यादा एनर्जी लग रहा था। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि ग्रुप में अगर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो होगा यूं कि अगर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो बुक में आप लोगों को सिर्फ बता दिया गया है कि क्यों इंक्रीज होगा और क्यों डिक्रीज होगा। वीडियो में आप लोगों ने यह देखा कि क्यों जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में, और क्यों जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा टॉप से बॉटम में जाने के लिए। तो अब तक हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी को देख लिया, पहला था एटॉमिक रेडियाई और दूसरा था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो हमारा थर्ड वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी पीरियोडिक है नेचर में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो मान लीजिए दो एलिमेंट जो है वो मिलकर एक बॉन्ड बना रहा है और वो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना रहा है। तो ये दोनों जो बॉन्ड बनाएगा वो किस तरह से बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको स्टेबल होने के लिए भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब शेयर करके ये दोनों बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बनाने के बाद अब रियल गेम यहां से स्टार्ट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे किसको, जब ये बॉन्ड बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर भी लिया आपस में, लेकिन जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड रहेगा उसके तरफ, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। मतलब जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर रहेगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच पाएगा। शेयर हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड किसके तरफ रहेगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके तरफ रहेगा, ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये अगर हम लोग एक पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, और अगर टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। तो सिंपली होगा ये कि अगर हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज क्यों होगा ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब भी हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा सेल जुड़ जाता है जिसके कारण जो है वो बॉन्ड जो है वो कमजोर हो जाता है, और बॉन्ड कमजोर होने के कारण वो क्या करता है, उतना ज्यादा जिसके साथ भी वो बॉन्ड बना रहा है उतना ज्यादा अपने तरफ उस इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होते जाता है। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं वैसी वैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम होने लगता है, और जैसे ही हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो सिंपली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ये एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो क्या होगा, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा। अगर वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब लॉस कर दे रहा है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका कम होगा। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हो गया टेंडेंसी
टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। एंड रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का मतलब समझ में आ गया। अब ये किस तरह से बिहेव करता है, तो जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होना क्यों शुरू होता है, वो इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो एटम का साइज है वो क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होता होना शुरू हो जाता है, और छोटा होने के कारण उसके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज होने के कारण वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का भी टेंडेंसी उसका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो अपने तरफ खींचने का जब टेंडेंसी उसका बढ़ गया है तो उसका गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा, और जब भी कोई ग्रुप में हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि वही सेम इसमें भी रीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रीजन था, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो इसका बॉन्ड कमजोर हो जा रहा है, तो ये क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देगा, लॉस कर देगा, और टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन का मतलब ही हो गया रिड्यूसिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर दोनों हम लोगों ने समझ लिया। तो हमारा चैप्टर जो है आज फाइनली कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जाकर बताएं, और आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट में जाकर जरूर पूछें, और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।